वाले हैं। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एडोब एक्सडी के बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ से हम एडोब एक्सडी को ओपन करते हैं। गाइस, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे आपको मोबाइल के लिए, जैसे ये आईपैड के लिए, ये वेब के लिए, ये, और आप ये अपना कस्टम साइज भी डाल सकते हैं। तो मैं वेब क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से। गाइस, ये मेन विंडो खुल गई है एडोब एक्सडी की। गाइस, तो पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो रेक्टेंगल टूल सिमिलर है फोटोशॉप की और इलस्ट्रेटर की तरह। मैंने एक शेप ड्रॉ करी, मैंने इसको सेंटर में कर लिया। गाइज, यहाँ से मैं कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ, इसमें कलर फिल कर लिया। यहाँ से मैं बॉर्डर कर लेता हूँ इसका सिलेक्ट, इसका साइज बढ़ा देता हूँ। गाइज, अगर आप इसमें डैश डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं, अगर आप गैप डालना चाहते हैं बॉर्डर में तो यहाँ से डाल। गाइज, ये इनसाइड स्ट्रोक है, देख रहे होंगे आप, इनर स्ट्रोक लिखा रहा है, ये आउटर स्ट्रोक है और ये सेंटर स्ट्रोक, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें चेंजेस। तो मैं यहाँ से इसको बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ अभी। यहाँ से आप शेडो डाल सकते हैं इसमें, जैसे ये देखिए शेडो चेंज हो रही है। यहाँ से आप इसको ब्लर कर सकते हैं सर। गाइज, ये आप देख रहे हैं सारे अलाइनमेंट टूल हैं जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में बिल्कुल सेम है। मैं आपको दिखा देता हूँ इनको फिर भी कैसे यूज करना है। ये टॉप के लिए, ये सेंटर के लिए, बॉटम के लिए, ये लेफ्ट के लिए, सेंटर के लिए, राइट के लिए। तो हम इसको सेंटर कर लेते हैं। गाइज, ये रिपीट ग्रिड ऑप्शन है, आप इससे डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे ये देखिए। तो इसका यूज ये है गाइज। तो मैं कंट्रोल जेड करके इसको दोबारा बैक चला जाता हूँ। गाइज, ये विड्थ है, ये हाइट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको जीरो करेंगे तो आप देखिए ये फिर वहीं आ गया ऐसे। इसे एंटर कर लेते हैं। गाइज, ये रोटेशन टूल है, इससे सेव हमारी रोटेट हो रही है। ये फ्लिप ऑरिजेंटल है, फ्लिप वर्टिकल है। गाइज, ये ऑपोसिटी का। गाइज, ये ब्लेंड मोड है, सेम फोटोशॉप की तरह। अगर आप हर एंकर पॉइंट्स की रेडियस डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए। गाइज, तो नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, सर्कल की। ये भी सिमिलर है, वही सब प्रॉपर्टीज हैं इसकी भी, रेक्टेंगल की तरह। गाइज, ये ट्रायंगल है, इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज हैं। आप इसके एंकर पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं यहाँ से जाके, यहाँ से आप इसको राउंड कर सकते हैं। इसके एंकर पॉइंट्स को देख रहे होंगे आप, राउंड हो रहे हैं। बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो देखेंगे आप, ये शार्प हो जाएंगे इसके एंकर पॉइंट्स। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये देखिए। गाइज, इससे आप इसके शेप को और अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको माइनस करेंगे, देखिए, बाकी सेम प्रॉपर्टीज हैं। गाइज, रेक्टेंगल टूल में एक फीचर तो है, आप देख रहे होंगे ये अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं, ये रेडियस है। आप इनको अगर क्लिक करके माउस के साथ ड्रैग करेंगे तो ये चारों तरफ से सेम होंगे। चौथा टूल जो है वो है लाइन टूल। आपको शिफ्ट दबा के लाइन ड्रॉ कर लीजिए तो स्ट्रेट आएगी, अगर आप ऐसे करेंगे तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। गाइज, नेक्स्ट टूल आता है पेन टूल। ये भी सेम पेन टूल की तरह, देखिए। उससे नेक्स्ट आता है टेक्स्ट टूल, ये भी सेम। आपको भी टेक्स्ट ड्रॉ करिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप टेक्स्ट में गैप देने के लिए, ये लाइन हाइट के लिए। मैं दिखा देता हूँ जैसे आपको, ये लाइन हाइट बढ़ेगी इससे। तो उसके बाद आता है गाइज, ये आर्ट बोर्ड टूल। आप इससे न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया। आप इससे क्लिक करके कर लीजिए, नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। गाइज, ये जूम इन जूम आउट का टूल है, आप इसको जितना भी एरिया सिलेक्ट करेंगे वो जूम हो जाएगा टूल है। अब चलते हैं गाइज, ये क्या है, डिज़ाइन प्रोटोटाइप शेयर। तो प्रोटोटाइप से आप अपने आर्ट बोर्ड में प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से इस पर क्लिक करा, मैंने प्रोटोटाइप करा, तो गाइज ये आपका होगा प्रोटोटाइप। यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड को, यहाँ पे लिंक क्रिएट करके, न्यू लिंक क्रिएट लिंक करके। गाइज, आपको प्रीव्यू देखना है, आपने ये सब करें तो आप यहाँ पे जाके प्रीव्यू कर सकते हैं। देखिए, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ एरो की से। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें।